बस इंसान इधर ही खड़े। हेलो दोस्तों, हम लोग अभी दिल्ली से निकल रहे हैं और स्टेशन पर जा रहे हैं। जो भी हम लोगों का अब प्रोटेस्ट होगा वो इलाहाबाद में बताया जाएगा। अगली सूचना हम लोगों के इलाहाबाद पहुंचने के बाद अपडेट की जाएगी, उसकी रणनीति क्या होगी और करना क्या है। लेकिन लड़ना तो मरते दम तक है, ये तो निश्चित है। आप कुछ बच्चों की भी जवानी आप सुन लें कि बच्चों की राय क्या है इसमें। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लोगों पर लाठियां चली हैं। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा निराश होकर तो लौट रहे हैं, लेकिन हारे नहीं है। ध्यान रखिएगा, हारे नहीं है। अब चाहे लाठियां चलें या गोलियां चलें, कुछ भी चले, हम सब झेलने के लिए तैयार हैं, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा निराश होकर तो जरूर लौटे हैं, लेकिन जीतेंगे। आखिरी समय तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप हमारा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। भूल गए SSC के चीर हरण में, जो आवाज न उठाएगा इतिहास की कालखंड में वो कायर कहलाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, आपको कायर नहीं बनना है, आपको सूरवीर बनना है, आपको भगत सिंह बनना है, आपको चंद्रशेखर आजाद बनना है, राम प्रसाद बिस्मिल बनना है। आपको हारना नहीं है, आपको जीतना है। हम लोग जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हमने अंग्रेजों को भगाया है, अब चोरों को भगाएंगे। आपके समर्थन की जरूरत है, आइए हमारे साथ। अब इलाहाबाद में हम लड़ेंगे, दिल्ली वालों को भी दिखा देंगे कि ये हिजड़ों की फौज नहीं थी दिल्ली में हम लोग आए थे, हम लोग शेरों की फौज है और शेर कुछ भी कर सकते हैं। अब आइए हमारे इलाहाबाद में और समर्थन करिए। मैं पूरे भारत से आह्वान करूंगा कि अब इलाहाबाद में आइए। आप जोश और फरोश के साथ इलाहाबाद देखेगा, पूरा भारत देखेगा कि SSC के बच्चे क्या कर सकते हैं। पूरे सिस्टम को हिला के राख कर देंगे हम लोग, पूरे सिस्टम को हिलाएंगे और जीत तो होगी। 2013 से लेके 2017 तक की CBI जांच लेके ही रहेंगे। हमारे साथ पटना के साथ पटना के लोग भी आ गए हैं। जैसे आपने देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे साथ पटना के लोग हैं, ये लोग भी, और पटना से भी हमारे बहुत सारे बच्चे आए हैं। और हम कुछ उनको भी मौका देना चाहेंगे कुछ बोलने के लिए, तो वो भी बच्चे कुछ अपनी राय रखेंगे। और हम लोग यहाँ से जा तो जरूर रहे हैं, हिम्मत नहीं टूटी और ना ही टूटेगी हिम्मत। हम लोग इलाहाबाद में आह्वान करेंगे, पूरे देश से बच्चों को बुलाएंगे, इलाहाबाद में बुलाएंगे और हम लोग इलाहाबाद में प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जारी रहेगा, ये चीज खत्म नहीं होगा। तो लीजिए, एक भाई हमारे पटना के, वो कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। भाई साहब, हम पटना से हैं, हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि हम लोग के आंदोलन अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक हम लोग इलाहाबाद आएंगे, अब हम लोग दिल्ली नहीं, अब लोग हम इलाहाबाद में जुटेंगे। और हम लोग दिल्ली में हिजड़ों की, हाँ नहीं गलत संदेश में चलाइए भाई। हम लोग इलाहाबाद पहुंचेंगे और वहाँ जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा हो सके, लाख दो लाख जितना हो सके, हम लोग जुटाने का फुल प्रयास करेंगे। यहाँ डिस्टेंस भी ज्यादा है और यहाँ दिक्कत भी आ रही है, यहाँ पे बिजी सिटी है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत झेलना पड़ा। हम लोग इलाहाबाद से प्रोटेस्ट करेंगे और बिल्कुल सफल तरीके से प्रोटेस्ट होगा, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। हम लोग अभी आंदोलन को समाप्त नहीं किए हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज हुआ, अंजाम भी बाकी है भाई। दोस्तों साथियों, ये बात याद रखिएगा कि हमारी अब लड़ाई और जोर और पुरजोर तरीके से हो गई है। हम लोगों ने जिस प्रकार से दिल्ली में ये दिखाया कि साहब हुक्मरान, हम लोग वो क्रांतिकारी लोग हैं, अगर आप हमारे हक और हुकूमत को छीनोगे तो आपकी कुर्सी को हम डगमगाने का काम करेंगे। अब कुर्सी डगमगाएगी ही नहीं, कुर्सी को हम उठा कर पटकने का काम करेंगे। मेरे दोस्त, हम लोगों ने देखा जैसे दिल्ली में हम लोगों को लाठी चार्ज की गई, हम सभी साथियों को जेल में ले जा रहा गया, लेकिन हम उससे डरे नहीं है। आप लोगों ने से मैंने वादा किया था, आप सब लोगों से हमारे मार्गदर्शकों ने वादा किया था कि पहली लाठी अगर चलेगी तो हम लोगों पर चलेगी, और वही हुआ मेरे दोस्त, हम लोगों ने लाठियाँ खाई। देखिए हमारे मार्गदर्शक जो अपने हाथ तोड़वाए और उन्होंने दिखाया हमारे हुकूमत के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। जब हमारे पर लाठियाँ चल रही थी, चंद बहने जो हमें घेर कर ये कह रहे थे भैया आप भाग जाओ, लेकिन अगर मैं उन बहनों को छोड़कर चला जाता तो हमें गद्दार कहे जाते, कायर कहे जाते। मैं सलाम करता हूँ उन बहनों को, जिस बहनों ने हमारे पुरजोर हमारा समर्थन किया, हमारे साथ गिरफ्तारी दी और उस पुलिस प्रशासन के बताने का काम किया कि हम भाई बहन और ये प्रतियोगी छात्र, अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम लगातार पुरजोर आपका विरोध करेंगे। सलाम है उस बहन को। और अब हम फिर इलाहाबाद की धरती पे पहुंच रहे हैं, एक बार फिर से वहां से आह्वान करेंगे कि हम लगातार एक बार फिर हम आह्वान करेंगे उसी जोश और जज्बे के साथ। जब तक हमारी लड़ाई कंप्लीट नहीं होगी, हम किसी प्रकार से हार मानने वाले नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आपको एक बात और बता दूं, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है
उत्साह हम लोगों का टूटा नहीं है, अभी भी उत्साह टूटा नहीं है। हम लोग पूरे जोर के साथ इलाहाबाद में प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आपको इलाहाबाद पहुंचने के बाद ही सारी सूचना दी जाएगी कि अब इलाहाबाद की आगे रणनीति आपकी क्या होगी। लीजिए, कुछ लोग और आपसे बात करना चाहते हैं, बात करें। एक बात मैं आपको बता दूं सर के बारे में, हमारे मार्गदर्शक जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, हम सर के साथ गए थे, सर ने कहा हमको हॉस्पिटल में नहीं, हमको प्रोटेस्ट स्थल पे फिर से वापस ले चलो, हम फिर से लड़ेंगे, फिर से दो लाठियां और खा सकते हैं, लेकिन जीत के ही जाएंगे। सर को मैं नमस्कार करता हूं कि हम लोगों का इतना साथ दिए और इतना हौसला बढ़ाए। अब यही हौसला हमको इलाहाबाद में दिखाना है और दिखा देना है कि क्या हम कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने शशांक सिंह। जैसा कि सर हमारा समर्थन कर रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी हमारा इतना अच्छा सहयोग कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। तो मैं पूरे भारतवर्ष के प्रतियोगी छात्र से एक निवेदन करता हूं कि दिल्ली वालों का तो देख लिया आपने क्या प्रपंच फैलाया था, मैं कहता हूं आप इलाहाबाद आइए और पूरे जोर शोर के साथ आइए, पूरा स्वागत है और हम यहां से ही जीत कर जाएंगे इलाहाबाद से ही, इलाहाबाद की धरती से। जय हिंद जय भारत। लीजिए, एक भाई हमारे पटना के हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, आप बात करें। भाई मेरा नाम अजय मिश्रा है, मैं खुद पटना से आया हुआ हूँ और हमारे साथ काफ़ी लड़के आए हुए थे। ये गवर्नमेंट हमें जितने तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग उतने मजबूत हो रहे हैं। आप लोग याद रखिए कि आज जो भी हम लोग के साथ हो रहा है, इसका हम लोग कड़ी प्रतिक्रिया देंगे और हमेशा देश के युवा दिखा देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए भाइयों, जब तक आप लोग साथ नहीं आएंगे, हम लोग कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग यार क्या कर सकते हैं, आप लोग को साथ आना पड़ेगा। इलाहाबाद हो, पटना हो, चाहे देश के कोई हर हिस्से में क्रांति लानी पड़ेगी, तभी ये गवर्नमेंट सुनने वाली हम लोग की। धन्यवाद भाइयों। संतोष सिंह सूर्यवंशी आपको आह्वान करते हैं कि आइए इलाहाबाद में, आइए इलाहाबाद में, हमारे भाई शिवम से मिलिए। लीजिए शिवम जी आपसे बात। भाइयों जान लो, ना कोई सरकार साथ है और ना कोई हमारा प्रशासन का तो साथ रहा, लेकिन पक्ष विपक्ष कोई नहीं है, हम अपनी ही सरकार खुद हैं और हम जो हैं खुद हैं। हम अपने आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, हम अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा आएंगे। हम हर सरकार को ब्लेम करते हैं, ये सही नहीं कर रही है, वो सही नहीं कर रही है। यार जब हम उनको अपोज ही नहीं कर रहे हैं तो हम उनको विरोध कैसे कर रहे हैं? हम उस लायक नहीं बचे हैं अब कि हम उनका विरोध कर पाए। आप लोग आइए और समर्थन करिए, नहीं तो आप उस लायक नहीं बचेंगे कि आप किसी को कुछ कह सकें। और इतिहास में जब आप अपने बच्चों को बताएंगे कि हम उस समय के हैं जब SSC का स्कैम हुआ था, तो आप बताने लायक नहीं रहेंगे। और आप मेरी बात याद रख लीजिए, आप रोएंगे कि मैं था लेकिन मैं गया नहीं। बस इसी के साथ मैं आपको लोगों को धन्यवाद देता हूं और आह्वान करता हूं कि सभी के सभी लोग आएं और इलाहाबाद में हम जैसा हमेशा बहुत अच्छे से चलाए हैं प्रोटेस्ट, आगे भी चलाएंगे। आप लोगों को हम आश्वासन देते हैं, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा, जो भी यहां पर हुआ वो सब इलाहाबाद वालों ने अपने एक क्रांतिकारी सरजमी होने का एक प्रमाण दिया और आगे की हम लोग जो भी क्रांतिकारी रणनीति है हम लोग वहीं इलाहाबाद से ही करेंगे। और यहाँ पर जो भी हम लोगों को असफलता मिली है वो कम संख्या होने की वजह से ही मिली है। बहुत से बच्चे आप ही लोगों जैसे जो है घर से नहीं निकले हुए हैं और आप सभी लोग अब जब हम लोगों की दोबारा जो रणनीति बनते हैं उसमें वो भूल ना करें जो आप पिछले 20 दिनों से आप लोग करते आ रहे हैं। आप लोग वो भूल ना करें, आप लोग जो हम लोगों की अगली रणनीति हो उसमें ज़बरदस्त आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और हम लोग एकदम सफलता के कगार पे हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, हम लोग सफलता के, ये समझिए कि सफलता के दरवाजे पर हैं। आप लोग थोड़ा सा हम लोगों को धक्का देंगे, हम लोग वो सफलता का दरवाज़ा क्रॉस कर जाएंगे। आप लोग ज़बरदस्त हम लोगों का सपोर्ट कीजिए और हम लोगों का यही नारा है, पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से। तो आपने देखा कि हम लोग इलाहाबाद जरूर लौट रहे हैं, लेकिन हम लोगों का हौसला अभी भी टूटा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों का हमें समर्थन नहीं मिला, शायद हमारे इलाहाबाद के ही सभी बच्चे आए होते तो आज हमें लाठियाँ न मिलती।